नागपुर शहर में अब अपराधियों को पुलिस का खौफ ही नहीं रहा। शनिवार को भरचौरा पर 4 से 5 अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। शहर में जिस तरह कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, इस तरह अपराध भी बढ़ते ही जा रहे हैं। चोरी, लूटमार, हत्या जैसे मामले आए दिन सामने आ रहे, मगर शनिवार को जो शहर में हुआ, जिससे ये लग रहा है कि अब अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रहा। शनिवार की दोपहर को शहर के भोले पेट्रोल पंप चौक पर कुछ आरोपियों ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति का नाम बाल्या और किशोर बीनेकर बताया जा रहा है। किशोर का शांतिनगर में सावजी भोजनालय है। शनिवार को वो अपने कार से सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के भोले पेट्रोल पंप रास्ते से जा रहा था। चौक के सिग्नल पर जब किशोर की गाड़ी रुकी तो पीछे से आए 4 से 5 आरोपियों ने शस्त्रों के साथ उस पर हमला बोल दिया। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। जब अब की स्क्रीन पर चल रहे ये दृश्य में आप देख सकते हो कि किस तरह भरे चौराहे और भीड़ भाड़ वाले परिसर में बेखौफ ये आरोपी किशोर पर हमला कर रहे हैं। सभी ने अपने चेहरे नकाब के पीछे छुपा रखे, मगर जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अब अपराधियों में पुलिस का खौफ ही नहीं रहा। वारदात होते ही पुलिस अधिकारियों का मेघामा घटनास्थल पहुंच गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खबरागढ़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़, नागपुर।